नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक बहुत ही सुरीली आवाज़ की ध्वनि, जिनकी आवाज़ में वो मिठास है, आई है कानपुर से, किदवई नगर से हमारे बीच, जिनका नाम है सुजाता अरोरा। यूँ तो आप सब ने उनको कई शो में देखे होंगे, भारत के कई जगहों में, कई राज्यों में जा जाकर आपने उनकी उनकी जो भजन संध्या है आप सब ने सुना होगा। आइए, आज माउंट आबू की धरती पर एक शिविर प्रोग्राम में हमारे बीच में आई है और उनके ही मुख से उनकी कुछ अनुभूतियाँ और संगीत की कुछ स्वर लहरियाँ सुनते हैं। ओम शांति। मैं सुजाता अरोरा कानपुर से। पहला अनुभव है ब्रह्मा कुमारी में माउंट आबू में आने का। जैसे वैसे तो मैं प्रोफेशन से गायिका हूँ और काफ़ी सारी भजन संध्या करती आई हूँ, और यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रहा। आज मेरा दूसरा दिन है। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने सुने, बहुत सारी मैंने टीचर्स यहाँ पे मुझे गाइड किया उन्होंने और मुझे बताया यहाँ के बारे में। और जो आज मैंने फिर एक सुना था एक लेक्चर, उसमें भी बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। ये लगता है जैसे कि जीवन का एक नया एक्सपीरियंस, जिसमें मुझे भी अपने जीवन में कुछ सुधार लाने का, अपने को परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी संध्या जब भजन संध्या मैं करती आई हूँ, और उसी के उपेक्ष में मैं एक आपके सामने भी एक प्रस्तुति रखना चाहती हूँ, कुछ सुनाना चाहती हूँ। ये भजन जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही अच्छा है, शायद आपको भी पसंद आए। तो जैसा कि भजन के बोल हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये तोरा मन दर्पण कहलाए। दुख के काटे मन सबका धाए, सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका धार, मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार, जग से चार कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण।
वन कहलाए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक भजन सिंगर हूँ, आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं, कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा